हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में, जहां हम बात करते हैं डायनासोर्स के बारे में। मेरा नाम है शुभजीत और मैं आपको लेके जाता हूं एक ऐसी अनोखी दुनिया के सफर में, जहां हम इंसान तो क्या, हमारे पूर्वज भी पैदा नहीं हुए थे और तब दुनिया में राज था डायनासोर्स का। स्पाइनोसॉरस एक बड़ा सा थेरोपॉड डायनासोर है जो क्रिटेशियस युग में रहता था। स्पाइनोसॉरस के फॉसिल्स सबसे पहले आविष्कार हुआ था 1915 में एक जर्मन पैलियोन्टोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसका नाम बहुत ही ऑसम था, अर्नस्ट फ्रेहर स्ट्रॉमर वॉन राइखनबाक। इन्होंने इजिप्ट में एक एक्सपीडिशन पर गए और वहां इनको मिला एक अजीबोगरीब डायनासोर का फॉसिल। ऐसा डायनासोर पहले कभी किसी ने नहीं देखा। इस डायनासोर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था उसके पीठ के बड़े बड़े कांटे, जो शायद एक सेल जैसा स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता था। इन कांटों के अलावा स्ट्रॉमर को कुछ वर्टिब्रे, एक नीचे का जबड़ा और कुछ दांत भी मिले थे। स्ट्रोमर ने स्पाइनोसॉरस का जो रिकंस्ट्रक्शन किया वो बेसिकली एक टीरेक्स जैसा दिखता है, जिसके पीठ पे बड़े बड़े कांटे हैं और जो पीछे के पैरों के ऊपर सीधा खड़ा है। मगर दुख की बात यह है कि स्ट्रोमर के ये वैल्यूएबल फॉसिल्स, जो म्यूनिक के म्यूजियम में रखा गया था, वो वर्ल्ड वॉर टू में म्यूनिक के ऊपर अलाइड फोर्सेस द्वारा बॉम्बिंग के वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बाद बहुत सालों तक स्पाइनोसॉरस का कोई भी फॉसिल नहीं मिला। फिर धीरे धीरे लोग डायनासोर्स को नए नजरिए से देखने लगे और स्पाइनोसॉरस का चेहरा भी बदल गया। स्ट्रोमर के पुराने इंफॉर्मेशन, कुछ नए फॉसिल्स और स्पाइनोसॉरस के कुछ करीबी रिश्तेदार जैसे बैरियोनिक्स और सुकोमाइमस के फॉसिल्स को स्टडी करके स्पाइनोसॉरस को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। और ऐसे ही स्पाइनोसॉरस हम जुरासिक पार्क 3 मूवी में देखे हैं। ये स्पाइनोसॉरस का पोस्चर अलग है, स्नाउट बहुत लंबा है और ये टीरेक्स से भी बड़ा एक बहुत ही खतरनाक शिकारी है। स्पाइनोसॉरस ऐसा ही रहता अगर 2008 में निजार इब्राहिम नाम के एक पैलियोन्टोलॉजिस्ट को अफ्रीका के केमकेम फॉर्मेशन में स्पाइनोसॉरस के बहुत सारे नए फॉसिल्स ना मिलते। इस आविष्कार के साथ साथ स्पाइनोसॉरस का चेहरा एकदम पूरी तरह से बदल गया। 2014 में आया एक नया रिकंस्ट्रक्टेड स्पाइनोसॉरस, जिसके पिछले पैर इतने छोटे थे कि उसे चार पैरों पर चलना पड़ता था, सामने के पैर के उंगलियों के जोड़ों के ऊपर निर्भर होके। स्पाइनोसॉरस के दांत देख के ये भी पता चला कि वो बैरियोनिक्स की तरह सिर्फ मछलियाँ खाता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये स्पाइनोसॉरस बना आविष्कार हुआ पहला एक्वाटिक डायनासोर, जो अपना ज्यादातर समय पानी में रहता था और तैर के शिकार करता था। मगर इसके बाद 2014 वाला स्पाइनोसॉरस भी गलत साबित हुआ। नए स्टडीज से ये मालूम पड़ा कि उसके पिछले पैर उतने भी छोटे नहीं थे और ये दो पैरों पर ही चल सकते थे।
2018 का एक स्टडी में 3D मॉडल्स से विचार करके ये कहा गया कि स्पाइनोसॉरस ठीक से तैर भी नहीं पाता था, शायद वो सिर्फ कम पानी में खड़ा होकर मछलियां पकड़ता था। साइंटिस्ट्स ने इस स्पाइनोसॉरस को एक्सेप्ट कर ही लिए थे कि तभी इसी साल का एक नया डिस्कवरी पैलियोंटोलॉजिस्ट्स को हिला के रख दिया। उसी केम केम फॉर्मेशन में निजर इब्राहिम को एक स्पाइनोसॉरस का पूंछ का लगभग कंप्लीट स्केलेटन मिला। इस स्केलेटन को स्टडी करके ये देखा गया कि स्पाइनोसॉरस का पूंछ स्ट्रक्चर में मछली या टैडपोल के पूंछ जैसा फ्लैट था। प्लास्टिक कटआउट से एक्सपेरिमेंट करके ये पता चला कि स्पाइनोसॉरस बिल्कुल एक मगरमच्छ की तरह अपना पूंछ हिला के पानी में आसानी से आगे बढ़ सकता था। इससे ये प्रमाणित हो गया कि स्पाइनोसॉरस सच में आविष्कार हुआ पहला एक्वाटिक डायनासोर है जो पानी में तैर के ही शिकार करता था। स्पाइनोसॉरस की कहानी ये साबित करता है कि साइंस कभी रुका नहीं रहता, नए आविष्कारों के साथ साथ बदलता रहता है। शायद फ्यूचर में एक नया आविष्कार स्पाइनोसॉरस को फिर से बदल देगा। तो स्पाइनोसॉरस का ये कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको कोई नया फैक्ट्स पता हो वो भी बताइए। अगर आपको कोई सवाल हो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज शुभजीत डायनासोर वर्ल्ड में भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो लाइक जरूर कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो यार बनता है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं 25.2 करोड़ साल पहले।